सो वेलकम बैक टू द न्यू कार मोड व्लॉगिंग वीडियो गाइस। तो आज हम जाने वाले हैं कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से। हम गए थे रेड फोर्ट की ओर। तो हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो है कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से, जो कि अपना जो है एक मार्ग है जिसको बोलते हैं अनुवर्त मार्ग बोलते हैं इसको, ऐसा कुछ वहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है ना। अनुवर्त मार्ग जो है आपको पता होगा, जो वहाँ के लोकल है रहने वाले। तो वहाँ से हमने लिया था, और जब हम पहुँच गए थे हम पहुँचे थे डेकोर अर्कुजो डेकोर पे हम पहुँचे थे। वहाँ से हमने ले लिया था यूटर्न, बोले तो अपने 148 हाईवे की ओर जो अपना रहता है। और जब हम इस मार्ग के ऊपर अब हम चलना स्टार्ट हुए, तो फिर हम पहुँचे वहाँ पर एक क्या नाम था उसका नाम था हम पहुँचे वहाँ पर ऋषभ नर्सरी करके, ठीक है। जब हम ऋषभ नर्सरी पर पहुँच गए तो उसके बाद में हम जो है आगे जब हम बढ़ते गए तो हम आगे पहुँचे फिर मेहुराली आर्कोलॉजिकल पी के ट्राई की ओर हम पहुँच गए। उसके बाद अनुराग मार्ग के ऊपर हम बढ़ते गए आगे। जब हम उस मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते गए तो हम आगे पहुँच गए अहिंसा स्थल की ओर। उसके बाद में जो है यहाँ पर जो है इंदिरापुस्त गैस लिमिटेड CNG स्टेशन है आपके जस्ट बोले तो राइट हैंड की ओर, और उसके बाद में हाजी नर्सरी गार्डन के ऊपर। और इस वक्त इस रोड के ऊपर हम हैं, इसको बोलते हैं क्रिसेंट रोड, ठीक है। और यही क्रिसेंट रोड जो है यहाँ पे थोड़ा सा मूर्ति है, और उसके बाद में आगे जब आप जंक्शन पे पहुँचोगे वहाँ पे आपको लेना है अपना राइट क्रिसेंट रोड से, और फिर आपने पकड़ लेना है श्री अरुबिंदो मार्ग। और मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि अरुबिंदो मार्ग या ठीक है नाम रखा गया, मतलब मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि अरुबिंदो मतलब किन का नाम है ना, क्योंकि हर एक चीज़ का नाम रखा जाता है अपने लीजेंड्स के ऊपर जो आज तक पैदा हो चुके हैं। तो बताना नहीं तो मैं खुद भी सर्च करूँगा गूगल पे, ठीक है। तो उसके बाद में जब हम इसके ऊपर लेफ्ट मुड़ जाएंगे तो वहाँ पे हमें मिलेगी राजधानी नर्सरी। फिर हमें मिला था वहाँ पे कुतुब गोल्फ कोर्स। हमें फिर उसके बाद में एक जंक्शन आया था हमें जहाँ जिसको बोलते हैं प्रेस एनक्लेव मार्ग, ठीक है, PTS चौंक करके वहाँ पर आएगा, जो हमें वहाँ पर मिला था। उसके बाद में जो हमें मिला इसी रोड के साथ मदर डेयरी मिल्क शॉप, जिसका जो नंबर था वो था 19004, ठीक है। और उसके बाद में इसी श्री अरुबिंदो मार्ग के ऊपर हमने चलते जाना है, और थोड़ा सा जाके जाके हमको यहाँ पर जो है वो भी मिल गई थी, क्या बोलते हैं उसे, ट्रैफिक भी मिल गया था। पहले बहुत ज़्यादा खतरनाक, फिर माइल्ड, मतलब ट्रैफिक ही समझ लो कि काफ़ी खतरनाक वाला ट्रैफिक मिला था यहाँ पर हमें, काफ़ी टाइम लग गया था। और उसके बाद में जो हमारी आगे जब हम बढ़े तो फिर हम आगे हमें मिला एक फार्म के बाद में हमें मिला वहाँ पे अपना NCERT कैंपस गेट नंबर 1, क्योंकि NCERT का यहाँ पे कैंपस भी है, ठीक है ना, इसी रोड के जस्ट लेफ्ट पर। और फिर बेगमपुर पार्क रोड टच करके, और यहीं पर IIT दिल्ली भी है। IIT दिल्ली का जो गेट नंबर 3 है वो आपके जस्ट राइट हैंड साइड पर आएगा। बेसिकली ये अपना सारा जितना भी आप बोल सकते हो एजुकेशनल साइट्स है एक तरह की, से होते हुए ये रोड गुजरती है, ठीक है। और फिर यहीं पर IIT का फ्लाईओवर है, और पुलिस कॉलोनी रोड इसको जुड़ेगी, ठीक है, इसके जस्ट नीचे से भी जा रही हैं रोड्स। और जब हम इस मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते गए, और फिर हमें आगे एनकाउंटर करा हमने एक एनाटॉमी लाइफस्टाइल फिटनेस करके, और फिर हमने एनकाउंटर करा स्ट्रॉन्ग कोर फिटनेस बेस्ट जिम इन हाउस। तो अभी बेसिकली हाँ एक चीज़ हो रहा है कि यहाँ पर ना अभी मतलब डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हो रखी है, जो मेन चीज़ हमने नोटिस करती काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि चलो हमारा तो फर्स्ट टाइम था हम वहाँ पे गए थे, तो जो पहले से वहाँ पे रहते हैं उनको पता है, और नहीं भी पता जो नहीं भी गए उनको भी मालूम है, दिल्ली तो हमारा राजधानी है ना। तो वही मेन चीज़ है कि काफ़ी अच्छा है, डेवलप हो रखा है। और MMTC पंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फिर जहाँ से हमें अपना जो है पेट्रोल वगैरह भरवाया था वहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड करके वहाँ पे एक पेट्रोल पंप था हिंदुस्तान वालों का। और फिर जब हम इसके आगे बढ़ते जाएंगे फिर आएगा मेट्रो स्टेशन, जिसका ये अपना मेट्रो स्टेशन जो ग्रीन पार्क का है वो आया, और फिर हमने इनकाउंटर किया फिर वहीं पे स्प्रीम साइकिल कंपनी, जहाँ पर साइकिल की एक कंपनी है, फिर ऑल इंडिया मेडिकोस परफेक्ट फाइनेंस ग्रीन पार्क लोन प्रोवाइडर, और कश्मीरी IDP मार्केट पे अब हम पहुँच चुके हैं। कश्मीरी IDP मार्केट जस्ट हमारे आपको राइट पे एनकाउंटर होगी, और फिर अब यहाँ पे आपने जो है अपना श्री अरुबिंदो मार्ग के ऊपर ही अभी तक हम चल रहे हैं, और अभी तक हमने इसको छोड़ा नहीं है। और श्री अब फिर वहाँ यहाँ पर भाई रोड्स क्या घूमती हैं भाई, क्या मस्त स्ट्रक्चर बना रखा है रोड का, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ सब जगह रोड ही रोड घूम रही है। पर हमने श्री अरुबिंदो मार्ग के ऊपर हमने सीधे सीधे जाते जाना है, ठीक है।
फिर हमारे जस्ट लेफ्ट पे हमने इनकाउंटर किया लक्ष्मी बाई नगर न्यू दिल्ली, हम पहुंच चुके हैं इस वक्त। उसके बाद में जब हम इसको आके फॉलो करते रहेंगे श्री अपना ये अपना जगन्नाथ मार्ग, ठीक है, जगन्नाथ मार्ग जो है वो है। उसके बाद में है पटमा बाज़ार, गोल्डन आर्केड, इंडो कॉटन करके वहाँ पे एक मेरे हिसाब से ज्वेलर था, ठीक है, ज्वेलरी। और फिर उसके बाद में अपने पास आ जाता है जो हमने इनकाउंटर करा था। बेसिकली ये जो अरविंदो मार्ग ना ये बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। और अब यहाँ पे सोसाइटीज़ भी कट रखी हैं अपने लेफ्ट राइट रोड पे, मतलब लोगों के घर वगैरह थे। फिर उसके बाद आयरलैंड डिप्लोमेटिक मिशन, ठीक है, श्री अरविंदो मार्ग। फिर अब हमने इस रोड को छोड़कर अब हमने चढ़ जाना है पृथ्वीराज रोड के ऊपर। जब हम पृथ्वीराज रोड के ऊपर चढ़ जाएंगे उसके बाद में हम हमारे जस्ट आइटम्स जैसे टाटा के जो गेस्ट हाउस नहीं है, TCS के टाटा अपार्टमेंट्स के जो गेस्ट हाउस है वो हैं वहाँ पर जो हमने इनकाउंटर करे। उसके बाद में राजधानी हाउसेस, मेघालय हाउस, फिर उसके बाद में सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अभी हम पृथ्वीराज रोड के ऊपर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक सर्कल आएगा और सर्कल पे यहाँ पर पृथ्वीराज रोड क्रिश्चियन सीमेट्री है, जिसको इस मिट्री को जो बोलते हैं जिसका नाम है। और फिर उसके बाद में अब हमने चढ़ना है मान सिंह रोड के ऊपर। जब हम मान सिंह रोड के ऊपर चढ़ जाएंगे यहीं पर हकम महिंद्र राना टैक्सी सर्विसेज करके है। फिर जब हम सर्कल पे पहुँचेंगे बेसिकली ये 36 मिनट्स की राइड है और अराउंड 19.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में अब हमने चढ़ जाना है अकबर रोड के ऊपर। जब हम अकबर रोड के ऊपर चढ़ जाएंगे फिर हमने पढ़ना है सी हेक्सागन ले लेनी है, ठीक है, सी हेक्सागन मतलब ये रोड का नाम है वहाँ पे। जब हमने उस रोड को हमने ले लेना है फिर हमने KG मार्क की ओर बढ़ना है। हम बढ़े थे फिर उसके बाद जब जिसकी ओर हम गए थे वो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। और उसके बाद में लाइक कपूरथला के जो प्लॉट्स हैं वो एंड या और क्या था वहाँ पे, एक था कॉपरनिकस मार्क पे इस वक्त हम हैं, कॉपरनिकस मार्क पे अब हम हैं। फिर सर्कल आएगा, सर्कल से अब हमने ले लेनी है मंडी हाउस की ओर। अब फिर हम बढ़ गए थे मंडी हाउस की ओर, जब हम बढ़ गए थे फिर श्रीकंदरा रोड के ऊपर हमने चढ़ गए। जब श्रीकंदरा रोड के जंक्शन पे जहाँ से हमें मुड़ना था वहाँ से एक तिलक ब्रिज मेट्रो फ्लाईओवर, ठीक है, और हमने जाना है ITO स्काई वॉल की ओर। और इंदिराप्रस्थ मार्ग को अब हमने लेना है जहाँ पर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया सिचुएटेड है। ITO का दिल्ली भी है और ITO का पोस्ट ऑफिस वहीं पे है। और जब इस रोड को हम आगे बढ़े तो फिर हमने आगे ले लिया था महात्मा गांधी रोड पकड़ ली थी। जब हमने महात्मा गांधी रोड को पकड़ा तो फिर हम जो हैं बेसिकली इस रोड को भी बोलते हैं महात्मा गांधी मार्ग। और हमारे जस्ट जो है लेफ्ट पर चलेगी SPA का सर्विस रोड चल रही थी, ठीक है। और उसके बाद में जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे फ्लैग पोस्ट लगा हुआ था एक। जब फ्लैग पोस्ट से हम आगे बढ़े तो मतलब काफ़ी मज़ेदार राइड थी, काफ़ी मज़ा आया। कोई मतलब जितना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला हमें, बीच बीच में कहीं ट्रैफिक थे वो तो चलो फिर हम इग्नोर कर ही सकते हैं ना, मतलब कहीं का अब ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि भैया हमें एकदम खाली रोड मिले, तो कहीं ना कहीं तो ट्रैफिक मिलेगा ही ना। तो हाँ बस ठीक है, ठीक ठाक ट्रैफिक था, यानी कि पूरी रोड भी ट्रैफिक के साथ भरी हुई थी। फिर रमेश पब्लिशिंग हाउस के ऊपर हम पहुँच गए और वहीं पर जो है एक अपना क्या बोलते हैं इसको रमेश पब्लिशिंग हाउस के बाद भी महालक्ष्मी ट्रैवल्स दिल्ली है। और यहीं पर एक हैप्पी स्कूल भी है, ठीक है, स्कूल है इसका नाम हैप्पी स्कूल है। बस अब हम पहुंच चुके हैं और वहां से अभी हमने ले लेना है अपना बोले तो राइट लेके शांति जो जहां पर शांति बना मार्ग है ना वहां से हमने ले लेना है राइट लेकर आपको मिलेगा नवश्री धार्मिक करके। बस यहीं पर आप गाड़ी गुड़ी लगा लेना अपनी, उसके बाद में फिर पैदल राइड है, तुम्हें पैदल जाना पड़ेगा आगे। वैसे वह आगे रेड फोर्ट की पार्किंग भी है, रेड फोर्ट की पार्किंग पे हमने तो पार्क करा था, आप अपना देख लेना, फिर टिकट काउंटर है, मतलब ये तो पैदल ही जाना पड़ेगा आपको आगे। चलो ठीक है गाइस, अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय एंड लव यू ऑल।